ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3, ड्रेस 4 एंड ड्रेस 5। चले जी, टन टन, हमारा फर्स्ट वीलॉग। हम हैं एम्पोरियम मॉल में और उस दिन था मैंगो डे। मैंगो अच्छे लटक रहे हैं बट विदाउट ट्रीज लटक रहे हैं। खैर, हमने की जी शॉपिंग और सबसे पहले हम गए जी सफायर। यस नहीं जी, पहले तो हमने स्टार्ट किए कुर्ताज, प्रिंटेड कुर्ता, बहुत अच्छे, बड़े इनके प्रिंट्स अच्छे थे और फ्लोरल प्रिंट थे, डिजिटल प्रिंट्स थे। ये देखें कितना कूल रिफ्रेशिंग कलर लीफ, और इनके प्रिंट जो थे बहुत अच्छे थे, सीरीलेस और आगे ये सिंपल बाजू के आगे बॉर्डर था। मुझे ज़्यादा था कि मैं कोई लाइट कलर देखूँ और जिस पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी हो। प्लेन मतलब ईद पे पहनने के लिए था तो वो प्लेन इतने नहीं मतलब अच्छे लग रहे थे। जिस तरह लाइट रेड कलर का था, इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, ये कहीं कहीं देखिए एम्ब्रॉयडरी हुई थी, कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा था ये। बट ये सिंगल स्मॉल कुर्ता था और मैं इंटरेस्टेड थी 3 पीस लेने में, सो हम चले गए 3 पीस लेने। और ये भी यंगर का स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये थे 3 पीस, इनका न्यू वॉल्यूम आया था, बहुत अच्छा था, ये बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा था, डिजिटल प्रिंट था, सफायर था, 3 पीस था और एम्ब्रॉयडर्ड था, रेडी टू वेयर था, अवेलेबल इन ऑल साइजेस था। ये लॉन दुपट्टे के साथ था, ये एम्ब्रॉयडरी थी और ये मुझे बहुत पसंद आया और ये मैंने ले लिया। यस, लुक एट द डिटेल्स, एम्ब्रॉयडरी। सूट फाइनल करने के बाद सफायर का हम चले गए मिनिसो में, कुछ चीज़ें लेनी थी। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और यहाँ पे तो दिल करता है बंदा सब कुछ ले ले, आंखें बाहर आ जाती हैं इनकी। ये स्टफ टॉयज, इनके बैग्स, देखें आंखें बाहर आ रही हैं। एवरीथिंग बहुत अच्छी होती है और बड़े रीज़नेबल रेट्स में होती है। खैर, कप इनका बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने ये ब्लैक वाला लिया था कप। और बैग्स इनके बहुत अच्छे थे, स्टफ टॉयज, स्पेशली किड्स के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं। मुझे चाहिए था अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखने के लिए, एक बैग चाहिए था ब्यूटी बॉक्स, और वो मैंने ये वाला लिया था लाइट पिंक कलर का, 10 वन। और फिर हम शॉपिंग करते रहे, जे डॉट चले गए, जे डॉट से हमने शॉपिंग की, कुर्ते वगैरह लिए। चलें जी, पहले हम आपको बताते हैं जो हमने सूट लिए हैं। ये है सूट नंबर 1, एथनिक, और ये एथनिक का डिटेल है, बटन कूल एंड फंकी कलर प्रिंटेड, और ये इसके बाजू नेचुरल लुक दे रहे हैं और प्लेन है और बहुत अच्छा कूल और फंकी कलर दे रहा था। कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था इनका। और साथ इसके हमने रंगजा से शलवार ली थी, ब्लॉक पॉइंट शलवार, रेडी टू वेयर। आपको पता है रंगजा की शलवारें तो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं। ये देखें, और इसके शलवार के पोंछे पे कितनी अच्छी इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, लाइट लाइट सी प्लेट्स। ये था ईद का ड्रेस, ओवरऑल एथनी के साथ रंगजा की शलवार ली हमने, और ये ओवरऑल लुक है इस ड्रेस की, एथनी के कुर्ते की। ये है ड्रेस नंबर 2, लाइम लाइट, और ये इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, कलर इसका रस्ट कलर था और ये बहुत अच्छी ट्राइबल लुक देता है। ये फ्रॉक है और यहाँ आप कहें लॉन्ग शर्ट है, ये डोरिया लॉन है, ये उसके ऊपर इन्होंने लॉन्ग फ्रॉक बनाया था लाइम लाइट वालों का, बहुत ही अच्छा स्टफ था और रस्ट कलर था। और इसके साथ आप कोई भी दुपट्टा ले लें, डिफरेंट कलर्स हैं इसके साथ, यहाँ आप प्लेन ब्लैक ट्राउज़र चला रहे हैं। ये भी एथनिक से कुर्ता लिया, ड्रेस नंबर 3, और ये इसके ऊपर लाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसके बाजू बहुत अच्छे थे, चेक स्टाइल में ओपन बाजू, ये आजकल कुर्ते का स्टाइल बहुत चला हुआ है। शॉर्ट शर्ट थी ये, और इसके साथ हमने प्रिंटेड ब्लैक ट्राउज़र सेपरेट वहीं से ही मैच कर लिया था, ये लेस वाला ट्राउज़र था वहीं से मैच कर लिया था, और शॉर्ट शर्ट थी इसके साथ, बहुत अच्छा लगा ये चेक, आजकल दोबारा इन हुआ है ट्रेंड में, दोबारा आया हुआ है। उसके बाद वहाँ से अभी मुझे याद नहीं आ रहा ये कहाँ से लिया, आई थिंक केसरिया से लिया था ये मैंने शर्ट। और ये शर्ट लेके उसकी डिटेलिंग बाजू की चेक करें आप, ये मैंने खुद टेलर से कह के इसकी डिटेलिंग इस तरह से करवाई थी। पाइपिंग है, साथ मिरर लगवाए और नीचे इसके देखें
ऑर्गेंजा लगवाई और ये सात पर्ल्स थे अटैच। ये टेलर को डिज़ाइन बताया था खुद। लाइट सा अच्छा लगता है प्रिंट, इसका बहुत पसंद आया था। टिश्यू है, सॉरी ऑर्गेंजा लगाई है बीच में और साथ मिरर है, और ये नीचे से हल्का सा ओपन शर्ट रखा हुआ है, और साथ इसके ओपन लॉन्ग शर्ट है, तो ऑब्वियसली इसके साथ आजकल लॉन्ग प्लाजो चल रहा है। इसके साथ प्लेट्स और साथ लेस लगाई है, ओपन ट्राउज़र, इसके साथ ट्राउज़र ओपन था, और ये ईद का ड्रेस है। ये खाड़ी से लिया था सूट, प्रिंटेड था, और ये इसका गला है, ये भी मैंने टेलर को डिज़ाइन बताया था, और ये आजकल बाजू जो बहुत इन हुए हुए हैं, बैलून आर्म्स इन्हें कहते हैं आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और प्रिंट बहुत अच्छा था, और आगे इसके फुल स्लीव्स हैं और आगे बारीक सी लैस लगाई है। इसके चौक पे भी ये लैस लगी हुई है बारीक सी। ओवरऑल ये इसकी लुक है, ओवरऑल आजकल मतलब इस तरह के प्रिंटेड वाली शर्ट्स बहुत इन हुई हुई है, और ये इसका गला, और ये देखिए इसके खूबसूरत से बैलून आर्म्स, बैलून आर्म्स जो है इसके। ये इसका प्रिंटेड ट्राउज़र था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जब इस तरह के आपके पास ओवरऑल प्रिंटेड ट्राउज़र हो तो उस पर आप सिर्फ सिंपल आप इसकी करें, कोई प्लेट व्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये टू पीस सेपरेट वहाँ से आपको खाड़ी से मिल जाएगा, आपने उठाया और जस्ट स्टिच करवाया। तो ये थी हमारी ओवरऑल शॉपिंग विद डिटेल्स जो आपने देखी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।